Hello dear students, today we are going to start our first unit of class 12 physics, electrostatics. Dear students, electrostatics relate करता है, आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन. जिस बच्चे ने ग्रेविटेशन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही सिंपल यूनिट बनकर रह जाएगा. या फिर यूँ कहें, जो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ेगा तो उसका जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशन वो क्लियर हो जाएगा. आज की जो हमारी पहली यूनिट है और उसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, यानी चार्ज की हम स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में रहते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चों, देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील्स कराती है किसके साथ में, चार्ज के साथ में. कब, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट के अंदर. को बच्चों देखिए, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, वो जो फील्ड लाइन्स होती है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर जाकर वो एंड हो जाती है. ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में. इलेक्ट्रिकल जो आपका चार्ज है, मैंने बताया कि वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों. देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक मास. मीन्स जिस प्रकार इस पूरी दुनिया में सभी पार्टिकल्स का मास होता है, उसी प्रकार सभी पार्टिकल्स के अंदर चार्ज पाया जाता है. वो चाहे एटम है या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, सभी के अंदर क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है. इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल है वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है. ये हमने पढ़ा था. ऐसा ही नहीं तो होती है बच्चों इसकी कूलम, हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा. और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम नोट एल नोट टी वन ए वन. देखो बच्चों, चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर नहीं आता. चार्ज को हमने ड्राइव किया गया है. हाँ, इलेक्ट्रिकल करंट हमारी जो है फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन जो चार्ज है उसको हमने ड्राइव किया गया है. चार्ज का फार्मूला होता है एम करंट इंटू में टाइम, आई इंटू में टी. और जो करंट है उसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, और जो टाइम होता है उसकी ऐसे यूनिट होती है सेकेंड. लेकिन जब हम इसको डायमेंशन में लिखते हैं, एम फोर मास, एल फोर लेंथ और टी फोर टाइम होता है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे मास और लेंथ नहीं है, यहाँ पे टाइम है टाइम, तो उसके लिए टी वन. और यहाँ पे आई है, आई की ऐसे यूनिट होती है करंट, इसलिए यहाँ पे ए वन. इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम एल्जेब्रिकली सम या फिर ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आपने बच्चों देखे होंगे केमिस्ट्री में, आपने पढ़े होंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा. अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल चार्जेस के बारे में. देखिए, आपने सभी को पता है वैसे, मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ उनको, कि जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इस पे माइनस होता है. और चार्ज और प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. अब आप देखिए, आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज होता है जीरो कूलम. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फाइंड आउट करना है कि उस पर कितना चार्ज होता है, हाउ मच चार्ज ऑन दैट बॉडी, तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने हैं, तो फिर हम बता देंगे कि उसके ऊपर क्या चार्ज है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है. अब प्लस माइनस उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. लेकिन H+
अगर हम लें H प्लस एटम तो उसके ऊपर क्या चार्ज जाएगा, तो उस पर चार्ज होगा बच्चों प्लस 1.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि उसने एक प्रोटोन ले लिया है, प्लस चार्ज ले लिया है। अगर खाली हाइड्रोजन हो तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर एक ही प्रोटोन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम बात करें कि हीलियम 2 पॉजिटिव के अंदर कितना चार्ज होता है, तो देखिए अब इसके अंदर दो प्रोटोन और दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव के अंदर कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो 2 है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये जो रहेगा ये प्लस का चार्ज रहेगा बच्चों। देखिए सभी को पता है टाइप्स ऑफ चार्ज दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है बच्चों वो है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब आप इस वर्ड से मतलब क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड, यानी कोई भी चीज आपके पास में फिक्स अमाउंट में है, आप उसका ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम ये लें कि हमारे पास में कोई मान लो एक पैकेट है और उसके अंदर हमने कुछ बोल्स रखे हुए, तो आप इसमें सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं, ओनली आप इसके अंदर बोल ही आप ऐड कर सकते हैं। तो इसकी क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू है, क्वांटाइज्ड है ये, ठीक है। जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब जो चार्ज निकालने का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों प्लस माइनस एनी, एन यहाँ पे कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, ठीक है, 1, 2 आपका इन्फिनिटी आप कितने भी ले सकते हैं, और ई यहाँ पे इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी आपकी कि लाइक जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो उनको रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे, जो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। देखिएगा हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे वो रिपल करेंगे, और जो नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे वो भी रिपल करेंगे। देखिए बच्चों हमने सभी ने बचपन में देखा होगा कि हम अपने बालों के अंदर कोई कोम्ब है, फिर उसको लगाते हैं और फिर हम मिट्टी के अंदर करते हैं तो उसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स आते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, हम इसको लैब के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं। हम कोई ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम एक दूसरी जो ग्लास रोड रहेगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हम उन दोनों से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। अब जो इसका तीसरा पॉइंट आता है बच्चों वो है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज की आपका कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ना तो हम इसको बना सकते ना ही हम इसको नष्ट कर सकते, ठीक है बच्चों। इन एनी रिएक्शन द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये हमने प्रीवियस केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस की थी उसमें भी हमने बहुत पर किया था कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के बराबर ही हमेशा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम एक उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जांपल -3 कूलम प्लस 4 कूलम, जब हम इनको दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है 5 कूलम प्लस में -4 कूलम। देखिए इधर भी आपको 1 मिलेगा और उधर भी आपको 1 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है बच्चों वह है कि अनलाइक मास द चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट वेरी विद स्पीड। ये वेरी बहुत वाला नहीं है, ये वेरी वेरिएशंस वाला वेरी है बच्चों, VARY, ठीक है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार मास जो है वो स्पीड के साथ में चेंज हो जाता है, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी मास भी उतना ही इंक्रीज हो जाता है, उस प्रकार चार्ज जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। चाहे चार्ज को आप कितनी ही स्पीड से आप रोटेट करवाओ तो चार्ज की जो वैल्यू रहेगी वो वही रहती है, सेम रहती है। चार्ज जो आपका रेस्ट में है
और जो मोशन में है वो हमेशा बराबर रहता है बच्चों। अब इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों वो आती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मीन्स द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग चार्ज एल्जेब्रिकली, मीन्स अगर उस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है हम उसको एल्जेब्रा के मेथड के द्वारा हम उसको ऐड कर लें, क्योंकि चार्ज क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। अगर हम उदाहरण लेता हूँ, देखिए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर तीन चार्ज है और उनकी वैल्यू हमारे पास में -2 कूलम, 4 कूलम एंड -3 कूलम, तो उसका जो नेट चार्ज रहेगा क्या रहेगा बच्चों, उसका जो नेट चार्ज रहेगा वो रहेगा -1, क्योंकि -2 और -3 -5 और +4 यानी माइनस का 1 कूलम इसमें रह जाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखना। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें, आप पेन निकाल लें और इस वीडियो को पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, अगर ना आए तो फिर आप वीडियो को चलाकर देख सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको इसमें बताऊंगा। देखिएगा क्या है कि 3 मेटलिक स्पेयर हमारे पास में X, Y और Z, हमारे पास 3 मेटलिक स्पेयर हैं X, Y और Z, उनके ऊपर जो चार्जेस है वो है 10 कूलम -10 कूलम 10 कूलम रिस्पेक्टिवली, उन तीनों पे ये चार्ज है। XYZ आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट सच दैट, XYZ को एक साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है सच दैट, इस प्रकार कि चार्जेस ऑन ईच ऑफ एक्स एंड वाई बिकम्स 3 कूलम्स। देखना यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो चार्ज है वो एक्स और वाई पर क्या बन जाता है, 3 कूलम बन जाता है, 3 कूलम बन जाता है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन जेड, देखिए ईच इसने वर्ड यहाँ पे यूज किया बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होना, बोथ पे नहीं है, ईच पर है, ईच का मतलब प्रत्येक। तो आप इसका आंसर निकालें, देखिएगा आंसर इसका मैं बता देता हूँ आपको। अब पहले हमारे पास था 10 कूलम -10 और 10, तो इनिशियली यहाँ से जब हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं तो हमारे पास चार्ज कितना आएगा 10 कूलम, और फिर जब X, Y और Z इन तीनों को कॉन्टेक्ट में लाए तो हमारे पास X पे भी 3 कूलम आ गया और Y पे भी 3 कूलम चार्ज आ गया, तो टोटल इनका कितना हो गया 6 कूलम, और हमारे पास इनिशियली बचा कितना था 10 कूलम, तो हम इस 6 को इस 10 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 कूलम जेड के ऊपर चार्ज बच जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा डी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि हम चार्ज को किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाउ डू वी कैन चार्ज देम, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग को कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो नेचुरल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हमने सुना है पहले, हमने देखा भी है कि जो मेटल होती है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको आगे पुश करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि चार्ज बाय इंडक्शन, मीन टू से कोई एक चार्ज बॉडी है, हम उसको दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो उसके अंदर अपोजिट चार्ज एक्वायर करने की कैपेबिलिटी होती है। तो वो वहाँ पर अगर मान लो हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर गए हैं किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में, तो वहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर एक्वायर कर लेती है, क्योंकि चार्ज उसको अपोजिट नेचर का अट्रैक्ट होने लगता है। सेकंड टाइप हम इसके अंदर ले सकते हैं चार्ज बाय रबिंग। देखिए हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम अपनी हथेलियों को भी रब करते हैं तो इनमें भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। छोटी क्लासेस में हमने बताया है कि जब हम अपने कोई कोम्ब है, अगर हम उसको हेयर के अंदर रब करते हैं तो वहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, है ना। अगर हम सॉक्स पहनकर चलते हैं किसी भी कॉटन के ऊपर तो वहाँ पे भी चार्ज आ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तीसरा टाइप है चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कोई भी दो जो बॉडीज होती है वो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में आएगी तभी ही, यानी कंडक्शन जब उनके अंदर होगा तो चार्ज उसमें ट्रांसफ़र होगा, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज क्या होगा
ट्रांसफर होगा। हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को अभी डिटेल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। जो हम इसमें पहला मेथड लेकर चलते हैं बच्चों, वो लेते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए प्रीवियस क्लासेस में जो छोटी क्लासेस थे हमने पढ़ा था कि हम हथेली को रब करें, हम किसी स्केल को हमारे हेयर के अंदर रब करें, हम सोप्स पहनकर उसे किसी कारपेट पे रब करें, तो उनके अंदर जो चार्ज आ जाता था वो अपोजिट नेचर का चार्ज आता था। ठीक है, तो देखिए कि इट रिक्वायर्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी रब करेंगे मीटर से अगर हम उनको आपस में घिसेंगे तो दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। ठीक है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा टोटल चार्ज का दोनों तरफ यानी दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या रहेगा आपका कंजर्व्ड रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर हम सिल्क क्लॉथ लें और ग्लास रोड लें, ठीक है, तो जब हम उनको आपस में रब करेंगे तो देखिए सिल्क क्लॉथ के ऊपर इसकी जो एफिशिएंसी होती है चार्ज को एक्वायर करने की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्लास रोड। तो जब हम इनको आपस में रब करते हैं तो जो सिल्क का जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो ग्लास रोड होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, लेकिन जब हम इसको रब करते हैं तो जिसकी एफिशिएंसी जिस चार्ज को एक्वायर करने की होती है उस पर वो चार्ज आ जाता है। अब देखिए इन दोनों पे चार्ज आया, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, अब इन दोनों पे चार्ज आया और चार्ज भी अपोजिट नेचर का आया, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। सेकंड हम देखते हैं, हमारे पास एबोनेट रोड होती है और अगर हम उसे किसी फर से यूज़ करें, वो एनिमल फर भी हो सकती है, अगर हम उनको रब करेंगे आपस में तो हम देखते हैं जो हमारी एबोनेट रोड होती है उसकी एफिशिएंसी होती है नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी एनिमल के हम फर ले रहे हैं तो वहाँ से उसकी जो सरफेस है, एनिमल फर का जो सरफेस है, वहाँ से हमारी जो एबोनेट रोड है इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेती है और अपने आप को नेगेटिव चार्ज प्रदान करती है। तो जो उसका दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो पार्टनर था जो रबिंग में यूज़ किया गया था, वो था हमारा फर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, वो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो इसका सेकेंड टाइप है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिएगा अब इसके अंदर पहले वाले में क्या था, रब कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर रब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हमने एक चार्ज बॉडी को दूसरी जो कंडक्टर है उसके कॉन्टैक्ट के अंदर लाना है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाना है। सपोज अगर ये हमारी चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखती है तो जब हम इसको इस दूसरी अनचार्ज बॉडी कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो इस बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा इट रिक्वायर्स ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नो नीड ऑफ रबिंग। द कंडक्टर विल बी चार्ज विद सेम साइन। अब अगर इस पे पॉजिटिव था, अगर हम इसे कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। रबिंग वाले केस में क्या था, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उसको दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में ला रहे जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो जो चार्ज पहले वाली बॉडी पे था तो दूसरी बॉडी के साथ में वो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिएगा एग्जांपल, हमारे पास में एबोनेट रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम एक सरफेस को दूसरा कोई कंडक्टर होगा उसको अगर इसे कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है उस सरफेस के उस कंडक्टर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब हम उस एबोनेट रोड को उस सरफेस से दूर हटाएंगे तो कंडक्टर के अंदर तो जो सरफेस है उसमें चार्ज आ गया, तो वो जो चार्ज होगा उस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका तीसरा टाइप आता है, हमने पहले पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका रहेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम इसमें जो थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन ऐसा वर्ड है बच्चों जो आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर आपको लगभग पढ़ने को मिलेगा,
इंडक्शन यानी इंड्यूस होना। देखिए, प्रोसेस बाय विच ए चार्ज बॉडी कैन बी यूज टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडीज विदाउट टचिंग दैम और विदाउट लूजिंग इट्स ओन चार्ज। मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक चार्ज बॉडी के द्वारा एक दूसरी जो अनचार्ज बॉडी है उसको हम चार्ज कर देंगे। यानी एक हमारे पास चार्ज बॉडी है और एक हमारे पास में अनचार्ज बॉडी है, हमने इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है इस चार्ज बॉडी के द्वारा, लेकिन हमने इनको कॉन्टैक्ट नहीं करवाना। पिछले मेथड में, कंडक्शन वाले मेथड में, हमने इनको एक साथ अटैच करवा दिया, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ इसके समीप लेकर जाना है, इसके पास लेकर जाना है, इसको कॉन्टैक्ट में नहीं लेकर जाना, ना इसको रब करवाना है। तो इस चार्ज बॉडी के द्वारा अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने की जो प्रोसेस रहेगी वो कहलाएगी आपकी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चों, बाय इंडक्शन द चार्ज डेवलप विल बी ऑलवेज अपोजिट टू चार्ज ऑन ओरिजिनल बॉडी। सपोज हमारे इस ब्लैक मार्कर के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और रेड मार्कर के पास अभी हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज बॉडी है। जब हम इस रेड मार्कर के पास में ब्लैक मार्कर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो लेकर जाएंगे, तो जैसे हम इसके पास लेकर जाएंगे तो इस रेड मार्कर में इसका अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। देखो बच्चों, अब हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक ग्रास रोड लेते हैं और एक हम कंडक्टिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब मैं इस ग्लास रोड को इस बी वाले पार्ट में इसके पास लेकर गया तो इसके कंडक्टिंग बॉडी के एक सरफेस के ऊपर इस पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आएगा, वो नेगेटिव है। ठीक है, और इसके दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव के जैसे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज हमेशा जो है वो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसलिए यहाँ पे तो बाय इंडक्शन आया और यहाँ पे एक ही बॉडी के अंदर है, इसलिए इसके दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। फिर सी पार्ट में हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग बॉडी को हम इधर से अर्थिंग करवा देते हैं, उसको अर्थ के अंदर एक्वायर ले जाते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है इस ग्लास रोड के साथ में अट्रैक्शन किए हुए है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका अट्रैक्शन इससे काफ़ी कम है इस ग्लास रोड की कंपैरिजन में। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन आकर बचेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ ये बच जाएंगे। ई पार्ट में हम देखते हैं कि जब हम इस ग्लास रोड को जो पॉजिटिव चार्ज रखती है इसको जब हम इससे दूर लेकर आएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर पहले था वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज की तलाश में पूरे सरफेस के अंदर, पूरी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हम इसको और दूर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये जो कंडक्टिंग बॉडी थी जिसके पास पहले कोई चार्ज नहीं था, अब इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखिए, पहले हमारे पास में कंडक्टिंग बॉडी थी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम इस प्रकार से किसी भी अनचार्ज बॉडी को बाय इंडक्शन चार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्लास रोड की जगह अगर एबोनाइट रोड होती जिस पर नेगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ पर जो इसका हिस्सा है जहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि ग्लास रोड की बजाय यहाँ पर एबोनाइट रोड होती, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, और यहाँ जब पॉजिटिव है तो इसकी जगह नेगेटिव चार्ज हो जाता, और फिर अगर हम उसको अर्थिंग करते तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होता क्योंकि एबोनाइट रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव की बजाय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता वो अर्थ के अंदर चला जाता और लास्ट में हमारे पास कंडीशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मिलती। तो इस प्रकार से हम किसी भी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये था हमारा तीसरा तरीका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही।
अगले लेक्चर हम आपके लिए लेकर आएंगे कूलम्स लॉ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूं। प्लीज़ आप इसको देखें। नोट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट्स है, नोट्स हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।